हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही चैप्टर पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की वीडियो इंट्रोडक्शन हो आ, पर होगी साथ ही साथ हम रिस्क के ऊपर आज हम बात करेंगे कि रिस्क का क्या मीनिंग है डेफिनेशन ऑफ रिस्क इसके क्या कॉजेज हैं और टाइप्स ऑफ रिस्क पर आज हम बात करेंगे चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होती हैं स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम राइट वो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न हमारा फोर्थ चैप्टर है और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले वन टू एंड थ्री चैप्टर्स यानी कि वन टू थ्री चैप्टर्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर कवर uh, करा चुकी हूँ सिलेबस आई होप आपने वो वीडियोस वॉच की होंगी अगर नहीं करी हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सेक्शन में एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को अकॉर्डिंगली एंड टॉपिक वाइज भी आप वॉच कर सकते हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन को आज के कि पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न क्या है तो हम जानते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं किस में फाइनेंशियल असेट्स में और क्यों करते हैं क्योंकि वो रिटर्न अर्न करना चाहते हैं यानी कि रिटर्न कमाना चाहते हैं तो अब आपको मैं एक बात बता दूं कि इट इज नॉट कंप्लीटली पॉसिबल टू हैव ओनली रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कि ऐसा कभी भी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा कि आपको उस इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ही मिले द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो involve रिस्क अलॉन्ग विद रिटर्न क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी होता है अगर एक इन्वेस्टर सोचे कि उसको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न होगा और रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा तो वो गलत है और ये जो है ओल्ड अप्रोच हो चुकी है आज की मॉडर्न अप्रोच हमसे ये कहती है इन्वेस्टमेंट में रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन दी एब्सेंस ऑफ रिस्क क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी जो है वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है बिना रिस्क के दिस रिस्क इन कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टर एंड मे नॉट बी अब ये जो रिस्क है ये इन्वेस्टर के कंट्रोल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सच आर रिस्क ऑन विच द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द इन्वेस्टर डू नोट हैनी कंट्रोल इस टर्म एज सिस्टमैटिक रिस्क कि ऐसा रिस्क जिस पर पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर इन्वेस्टर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता वो होता है हमारा कौन सा रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क होता है तो अब आपसे कोई पूछ ले कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या है तो आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हो कि जिस पर सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिन पर पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और अब हम बात करें इसके अगेंस्ट तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर के कंट्रोल में होता है कुछ लिमिट तक कुछ एक्सटेंट तक लिमिट एक्सटेंट तक कंट्रोल में होता है तो ऐसा रिस्क क्या कहलाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है यानी कि वो कुछ लिमिट तक इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर के कंट्रोल में होता है एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मस्ट मेक एन एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव एनालिसिस सॉरी एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न तो कोई भी पर्सन हो अगर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको एक्सटेंसिव एज़ वेल एज इंटेंसिव एनालाइज करना पड़ेगा एनालिसिस करना पड़ेगा किसका रिस्क और रिटर्न का जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम रिस्क का मीनिंग कवर करने वाले हैं आज उसके कॉजेज उसके टाइप्स आज हम कवर करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो वट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड टाइप्स साथ ही साथ और भी क्वेश्चन इस इसी सेम आंसर पर बन सकता है कि अनअवॉडेबल रिस्क पर एक ब्रीफ नोट लिखिए और साथ ही साथ रिस्क का क्लासिफिकेशन कीजिए चलिए फिर मीनिंग पर मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले रिस्क के बारे में बात करते हैं तो रिस्क से आप क्या समझते हो रिस्क रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सच अनसर्टेन इवेंट्स विच क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कि रिस्क क्या है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें अनसरटेन ईवेंट्स होंगे जो कि जिनकी वजह से क्या होगा लॉस क्रिएट होगा जिनकी वजह से क्या हो सकता है लॉस क्रिएट हो सकता है तो ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स जो एक इन्वेस्टर के लिए लॉस क्रिएट कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं रिस्क कहलाते हैं द रिस्क इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट अब जो रिस्क का संबंध है वो इन्वेस्टमेंट से है और ये रिस्क है क्यों किस वजह से इसका एग्जिस्टेंस है क्यों होता है रिस्क क्यों क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं और इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, इन वजह से भी जो है रिस्क हो सकता है अब वो आप समझेंगे आगे जब हम फर्दर रीड करेंगे कि वो कैसे तो अब आप जानते हो जितनी कैपिटल मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा रिस्क होगा हाई डिग्री रिस्क होगा और द रिस्क इज़ टेकन इन डिफरेंट सेंसेज बाय वेरियस पर्सन अब रिस्क को हर कोई एक तरीके से नहीं लेता डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इसको डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस में लेते हैं रिस्क को तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट ईवेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर एक्सपर्ट्स इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोबेबल रिस्क तो अब कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो रिस्क है वो क्या है कॉन्टिंजेंट इवेंट्स है यानी कि फ्यूचर में ये इवेंट हो सकता है यानी कि फ्यूचर में जो है संभावना है इस कार्य को होने की यानी कि ये रिस्क जो है वो फ्यूचर में हो सकता है अक्कर और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोबेबल रिस्क कि ये क्या है एक तरीके से यू नो प्रोबेबल यानी कि रिस्क की संभावना है कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग तो सम एक्सपर्ट क्या कंसीडर करते हैं इट इज एज मीडियम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड थ्रेट्स कि कुछ एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अनसर्टेनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनसर्टेनिटीज इन द सेंस कि जो फ्यूचर में अब आप जानते हो कि फ्यूचर क्या है अनसर्टेन है फ्यूचर इज नॉट सर्टेन है ना तो अनसर्टेनिटीज और थ्रेट्स कि हमें क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या फेस जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं वो थ्रेट्स और अनसर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई करने का एक माध्यम है वो होता है रिस्क अब हमें यहाँ पे थ्री डेफिनेशंस गिवन है तो हम तीनों ही रीड करेंगे डेफिनेशंस को सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर तो एयरविंग फिशर जी हमसे क्या बोलते हैं कि रिस्क मे बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेजर्ट्स मेजर बाय द प्रोबेबिलिटी तो रिस्क को क्या बोला गया है कि ये हेज़र्ट्स का कॉम्बिनेशन है हेजर्ट्स यानी कि क्या क्या आपको यू you नो know, क्या क्या हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं और ये जो हैज़र्ट्स है ना ये कौन मेजर करता है किसके द्वारा ये मेजर होता है प्रोबेबिलिटी के द्वारा कि संभावनाओं के द्वारा कि हाँ इस तरीके का इस हद तक आपको हैजर्ड जो है वो फेस करना पड़ सकता है तो रिस्क क्या है कॉम्बिनेशन है हैजर्ड्स का एमिट जे वाउगेन के अकॉर्डिंग रिस्क क्या है एक कंडीशन है इन विच देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डेविएशन फ्रॉम अ डिजायर्ड आउटकम तो यहाँ पे क्या बोला गया है रिस्क एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये संभावना है कि आपको क्या होगा एडवर्स डेविएशन डेविएशन यानी कि जो आपने सोचा था यानी कि जितना आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था जितना एक इन्वेस्टर ने होप किया था एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना रिटर्न तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिला डेविएशन आया और वो डेविएशन कैसा आया एडवर्स आया डेविएशन कैसा भी हो सकता है कि जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा भी मिल सकता है बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है एडवर्स डेविएशन की यानी कि बुरे डेविएशन की यानी कि आपको जितना अपने एक इन्वेस्टर ने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था उससे उसको कम मिला तो ये क्या है रिस्क है ऑब्वियसली ये रिस्क है तो ये संभावना को जताता है रिस्क क्या है एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पॉसिबिलिटी है एडवर्स डेविएशन की फ्रॉम अ डिजायर्ड आउटकम जो कि एक्सपेक्टेड है और जो कि होप्ड सो फार जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करके चलता है कि उसको इतना रिटर्न तो मिलेगा बट नहीं मिलता तो वो क्या है एडवर्स डेविएशन है और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी पॉसिबिलिटी की जो संभावना जो सिचुएशन है वो रिस्क है बैक एंड बर्न के अकॉर्डिंग परसेप्शन ऑफ रिस्क इज़ फ्रॉम चांसेस ऑफ लॉस इन टू अपॉर्चुनिटी फॉर गेन अब यहां पर क्या बोला गया है कि रिस्क की जो परसेप्शन है वो क्या है चांस ऑफ लॉस यानी कि हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए हो सकता है आपको क्या हो जाए गेन हो जाए है ना हो सकता है चांस ऑफ लॉस हो सकता है अपॉर्चुनिटी फॉर गेन हो तो अब ये क्या है परसेप्शन क्या है रिस्क क्या है परसेप्शन है इस चीज़ का कि आपको लॉस भी हो सकता है आपको गेन भी हो सकता है आप श्योर नहीं हो अब हम बात करेंगे रिस्क के कॉजेस की कि रिस्क होता क्यों है जैसा कि अभी हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि मार्केट में आप जानते हो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं साथ ही साथ अब हम इसके रीजंस पढ़ेंगे ठीक है कुछ भी हम बोलने से पहले सबसे पहले रीजंस पढ़ेंगे नंबर वन है रोंग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टर तो पहला कारण क्या हो सकता है रिस्क का कि इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत टाइम पर की गई इन्वेस्टर के द्वारा सिलेक्शन ऑफ रोंग मेथड एंड टेक्निक ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट कि आपने जो है जब इन्वेस्टमेंट करी तो गलत मेथड और गलत टेक्निक का चुनाव करा नोट टू गिव स्पेशल अटेंशन ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड असेट मतलब जहाँ एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने की सोची यानी कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर असेट में करने की सोची उसमें ज्यादा स्पेशल अटेंशन नहीं दी स्पेशल ध्यान नहीं दिया उसके बाद हमारा आता है फोर्थ रीजन रिस्क का फोर्थ कारण जो कि है कॉन्टिन्यूस चेंजेस इन मार्केट कंडीशन की मार्केट कंडीशन लगातार बदल रही है दैट्स वाई रिस्क अक्कर राइज हो रहा है सॉरी फिफ्थ आता है हमारा लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न रेट की जो जहां भी एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करा है उस पर्टिकुलर का जो इंटरेस्ट रेट है या फिर जो रिटर्न रेट है ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं, तो नहीं होगी तो रिस्क जो रिटर्न है वो अप भी जा सकता है वो डाउन भी जा सकता है और डाउन जाएगा तो आपका रिस्क होगा ही होगा है ना उसमें तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली रिस्क आएगा उसके बाद नो प्रॉपर डेटरमिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट कि आपने प्रॉपरली डेटरमाइन ही नहीं किया इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वॉल्यूम को कि कितना आप इन्वेस्ट करोगे उसको आपने प्रॉपर डेटरमिनेशन नहीं किया कि हाँ भाई अप्रोप्रिएट वॉल्यूम से आप क्या समझते हो कि जितना एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होता है जो उसके लिए अप्रोप्रिएट होता है तो हर इन्वेस्टर अलग होता है तो हर किसी के लिए जो है एक अप्रोप्रियट वॉल्यूम होता है अपना तो अगर उसने प्रॉपर डेटरमाइन नहीं करा अप्रोप्रियट वॉल्यूम को तो भी रिस्क होगा मार्केट गुडविल ऑफ द इशोअर ऑफ द सिक्योरिटी कि जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया उस सिक्योरिटी की मार्केट गुडविल कैसी है उस सिक्योरिटी की मार्केट गुडविल पर भी डिपेंड करेगा रिस्क फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा सडनली उसकी मार्केट वैल्यू सॉरी गुडविल जो है वो ख़राब हो गई यानी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में कुछ गलत जो है न्यूज़ आई या फिर यू र्यूमर्स आए तो उन र्यूमर्स की वजह से भी जो है गुडविल पर इफ़ेक्ट होता है गुडविल पर अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न पर भी उसका अफेक्ट होगा ही होगा और उस वजह से भी क्या आएगा रिस्क आएगा अकरेंस ऑफ नेचुरल कलेमिटीज जैसे कि कोविड तो क्या है ये एक तरीके की बीमारी आई अच्छा यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल कैलैमिटीज की तो नेचुरल क्लैमिटीज क्या हो सकता है आपका अर्थक्वेक आ सकता है है ना आ, तो कुछ भी हो सकता है बाढ़ आ गई लाइक सुनामी आ गई तो ये नेचुरल क्लैमिटीज uh, होते हैं तो ऐसा कुछ आ गया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो उससे क्या होगा जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंपनी रिटर्न कैसे देगी रिटर्न नहीं देगी तो स्टॉक मार्केट में अपने आप ही जो है क्या होगा फॉल आएगा जिस वजह से रिस्क होगा इन्वेस्टर को नो प्रॉपर एनालाइज एनालिसिस ऑफ पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो को प्रॉपरली एनालाइज़ नहीं किया गया इन्वेस्टर के द्वारा उस वजह से रिस्क आया और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्ट एंड पॉलिसीज़ में चेंजेस आए फैक्टर रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स में संबंधित जो है वो भी रिस्क हो सकता है और नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय एन इन्वेस्टर कि भाई इन्वेस्टर ने जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करा है उसका नेचर कैसा है ठीक है तो इस पर भी डिपेंड करेगा हमारा रिस्क अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ रिस्क की कि रिस्क कितने प्रकार का होता है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है अभी बताया था याद कीजिए सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क में कुछ हद तक कंट्रोल होता है पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर का फिर आता है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिस्क फिर आता है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क देन प्योर एंड रिस्क रिस्कैटिक एंड डनामिक क्वान्टिफिएबल नॉन क्वान्टिफिएबल तो सबसे पहले सिस्टमैटिक की बात करेंगे जो कि अन है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते जिसको एक इन्वेस्टर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर क्या नहीं कर सकता अवॉइड नहीं कर सकता तो सिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क दैट अराइज ड्यू टू चेंजेस इन द रिटर्न तो ये रिस्क कैसे आया रिटर्न में बदलाव की वजह से आया चेंजेस इन द रिटर्न अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी अगर रिटर्न में चेंज आएगा तो सिक्योरिटी के प्राइस में भी चेंज आएगा सिक्योरिटी के प्राइस को भी वो चीज़ अफेक्ट करेगी तो सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट रिलेटेड रिस्क तो अब इसको मार्केट रिलेटेड रिस्क क्यों बोला गया है है ना ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि सिस्टमैटिक रिस्क को मार्केट रिलेटेड रिस्क क्यों बोला गया है क्योंकि द सिस्टमैटिक रिस्क इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट क्योंकि हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क है उस वो किसके साथ एसोसिएटेड है इकोनॉमिक ट्रेंड्स के साथ मार्केट के इकोनॉमिक ट्रेंड्स के साथ जिसको एक इन्वेस्टर अवॉइड नहीं कर सकता अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें एवरी इन्वेस्टर हु मेक इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल एसेट हैज़ टू बियर द सिस्टमैटिक रिस्क उसको सिस्टमैटिक रिस्क बियर करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो जो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बियर करना ही पड़ेगा क्या सिस्टमैटिक रिस्क वो अवॉइड नहीं हो सकता और यहाँ पे एक बात और भी बोली गई है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इवन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन कि डाइवर्सिफिकेशन भी इसको इस रिस्क को एलिमिट एलिमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स चेंज होंगे तो रिटर्न में चेंज आएगा ही आएगा अब हम बात करेंगे अनसिस्टेमैटिक और यूनिक रिस्क की तो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है विच हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड फर्म एंड नोट विद दी होल मार्केट तो अब हमने सिस्टमैटिक में पढ़ा था कि वो मार्केट रिलेटेड होता है अनेबल होता है है ना तो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है जिसका डायरेक्ट सीधा संबंध किसके साथ होता है इंडस्ट्री और फर्म के साथ होता है थ दी होल मार्केट यानी कि पूरी मार्केट के साथ नहीं होता तो द इन्वेस्टर्स कैन बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क अब इन्वेस्टर को इन रिस्क से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा सकती है इफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेटी एंड मेजर्स आर अडोप्टेड बाई दोर्टफोलियो मैनेजर देन दिस्टमेटिक रिस्क कैन बी कंट्रोल की यदि सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए सही मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा तब अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है दिस रिस्क इज ऑल्सो बी टर्म्ड एज कंट्रोल एबल रिस्क ये इस रिस्क को हम कंट्रोलेबल भी बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कंट्रोलेबल यानी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिस्क की बात करें तो इंडिविजुअल रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं होमोजीनियस फैक्ट यानी कि सेम फैक्ट और स्मॉल ग्रुप्स को थेफ्ट थेफ्ट इन द सेंस चोरी ब्रेकिंग आउट फायर आर एग्जांपल ऑफ सच रिस्क यानी कि चोरी हो गई फायर यानी कि आग लग गई तो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं वो इस इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिस्क कहलाते हैं ग्रुप रिस्क आर द रिस्क विच अफेक्ट द होल इकोनॉमी एट यूनिवर्सल लेवल कि ग्रुप रिस्क क्या होता है जो कि पूरी होल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है यूनिवर्सल लेवल पर जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन नेचुरल क्लैमिटीज़ वॉर इस टाइप के रिस्क होते हैं ग्रुप रिस्क अच्छा हमने एक पॉइंट किया इंडिविजुअल रिस्क इस पॉइंट में और ग्रुप रिस्क किया तो इंडिविजुअल रिस्क का क्या मतलब है स्मॉल ग्रुप्स और होमोजीनियस फैक्ट्स जिसमें चोरी आ गया फायर आ गया ये सब आ गया ब्रेकिंग आउट ऑफ फायर यानी कि आग की वजह से नुकसान हुआ है ना ग्रुप रिस्क क्या होगा जो कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन नेचुरल क्लैमिटीज वोर ये सब ग्रुप रिस्क का उदाहरण है तो ये रिस्क हमारे टाइप ऑफ रिस्क में आया इंडिविजुअल और ग्रुप रिस्क उसके बाद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है विच देयर रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ टू अ पर्सन कि इन्वेस्टर ने पैसा लगाया बट अब उसका पैसा ही उसकी वेल्थ ही लॉस में जाने की पॉसिबिलिटी आ गई है वो क्या है एक तरीके का फाइनेंशियल रिस्क है फॉल इन प्राइजेज क्यों क्योंकि प्राइजेज घट गए हैं फॉल गिर गए हैं प्राइजेज डिस्प्यूट्स फॉर ओवर ड्यूज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क कि आपके ऊपर जो है ओवर ड्यू आ गया है यानी कि आपने पेमेंट नहीं करी है ना डेटर्स की वजह से तो उसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ और इस वजह से आपकी वेल्थ तक सवाल पहुंच गया तो ये क्या है एक तरीके का फाइनेंशियल रिस्क है जब आपका जो है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो अमाउंट जो है वो डूब सकता है क्यों क्योंकि फॉल फॉल इन में आ गया या फिर आपने जिन सिक्योरिटीज जिन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपनी अगर इंसॉलमेंट हो गई राइक है ना तो काफी कुछ हो सकता है इसमें तो फाइनेंशियल रिस्क में ये सब चीजें आएंगी नॉन फाइनेंशियल रिस्क में क्या आएगा पॉसिबिलिटी ऑफ अदर लॉसेज दूसरे टाइप के लॉसेस इन एडिशन टू लॉस ऑफ वेल्थ एग्जाम्पल लॉस ऑफ गुडविल हो गया सिचुएशन ऑफ टेंशन गुडविल का नुकसान हो सकता है टेंशन तो ये सब जो है वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क है तो रिस्क तो रिस्क होता है चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क की बात करें प्योर रिस्क कौन से होते हैं दोज इवेंट्स और सिचुएशन विच मे और मे नोट कॉज इज अ लॉस यानी कि जिनकी वजह से लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता एग्जाम्पल इफ अ पर्सन गेट हिज कार इंश्योर्ड एंड द कार मीट वेद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड देन द लॉस विल कम्पनसेटेड बाई द इंश्योर तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस का नाम दिया एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपने कार परचेज करी है मतलब आपके पास एक कार है और आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो यदि एक्सीडेंट होगा तो आपको कॉम्पन्सेशन आप कर सकते हो इंश्योरेंस से जितना भी आपको लॉस हुआ अमाउंट का है ना तो अब एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना तो अब द सिचुएशन ऑफ यहाँ क्या बोला गया है द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट डज नॉट अक्कर इन दिस टाइप ऑफ रिस्क यहाँ पे प्रॉफिट की कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी इस टाइप के रिस्क में ठीक है क्योंकि जितना आपका नुकसान हुआ है उतना ही आपको पे किया जाएगा उसके बाद स्पेक्यूलेटिव रिस्क कौन से होते हैं ये तो थे हमारे प्योर रिस्क इंश्योरेंस वाला एग्जाम्पल क्या था प्योर रिस्क का था स्पेक्यूलेटिव रिस्क कौन से होते हैं विच ऑल्सो हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अलॉन्ग विद लॉस तो प्योर रिस्क में प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्यों क्योंकि जितना आपको नुकसान हुआ है उतना आपको दे दिया जाएगा तो यहाँ प्रॉफिट का कोई सवाल नहीं उठता लेकिन स्पेक्यूलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस के साथ साथ वो कैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैन ऑफर रिटर्न टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट दे आर ऑल्सो रिमेन अ फियर ऑफ सिंकिंग ऑफ फंड इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जो है जब एक इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें उसको रिटर्न भी ऑफर किया जाता है डिविडेंड की फॉर्म में लेकिन एक खतरा भी होता है है ना एक खतरा भी होता है कि मान लो ना मिले डिविडेंड है ना डिविडेंड ना भी मिले मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता तो ये था हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क उसके बाद आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क तो द रिस्क फॉर व्हिच द फोरकास्ट कैन बी मेड आर टर्मड एज स्टैटिक रिस्क तो ऐसे रिस्क व्हिच द फोरकास्ट कैन बी मेड मतलब आप कुछ पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हो वो स्टैटिक रिस्क होता है जैसे कि द चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डू नॉट कैरी एनी इफेक्ट ऑन दीज यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस जो आते हैं वो इनमें जो है डू नॉट कैरी एनी इफेक्ट ऑन दीज मतलब इन पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता सो दीज रिस्क आर आउट ऑफ कंट्रोल तो यहाँ पर बोला गया ये रिस्क जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं स्टैटिक रिस्क ठीक है फिर हम बात करें डायनेमिक रिस्क की तो डायनेमिक रिस्क जो कि अफेक्ट करते हैं विच गेट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कि इफेक्ट होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बिजनेस में चेंजेस आने की वजह से वो होते हैं हमारे डायनेमिक और स्टैटिक जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से नहीं अफेक्ट होते ठीक है तो ये फर्क था दोनों के बीच का स्टैटिक और डायनेमिक के बीच का कि स्टैटिक रिस्क जो होगा वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस में अगर कोई चेंज आता है तो ये चीज़ जो है विच गेट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब जो इफेक्ट होगा अगर बिजनेस में चेंज आया इकोनॉमिक एनवायरमेंट में चेंज आया उससे तो देयर रिस्क है कि इनका जो डायनेमिक जो रिस्क है इनका रिलेशन पूरी इकोनॉमी के साथ होता है टेक्निकल चेंजेस हो गए मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन हो गया चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट आर सम एग्जांपल ऑफ डायनेमिक रिस्क तो डायनेमिक रिस्क के एग्जांपल थे टेक्निकल चेंज आया क्योंकि आप जानते हो बिजनेस में आज के टाइम में टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं तो आपको डायनेमिक रिस्क का सामना करना पड़ सकता है डायनामिक रिस्क होगा एक कंपनी को या एक इंडस्ट्री को या एक फॉर्म को तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के रिटर्न पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा फिर आता है हमारा क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल। तो नाम से क्या पता चल रहा है the, the risk which can be measure, वो होगा। जिस रिस्क को आप मेजर कर सकते हो वो क्वांटिफिएबल रिस्क होगा लाइक like आपका फाइनेंशियल रिस्क और नॉन क्वांटिफिएबल जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बस यही थे हमारे आज का वीडियो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करा मीनिंग करा डेफिनेशंस हमने तीनों पढ़ी कॉजेस पढ़े टाइप्स ऑफ रिस्क हमने पढ़ा आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा वीडियो को लाइक करें अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच